नमस्कार साथियों, मैं सचिन एक बार फिर से आप सबका अपनी YouTube परिवार बायोलॉजी विद्यार्थी आज मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप लोगों को मैंने बताया था कि हम केमिस्ट्री का पोर्शन कराए थे BHU BSc नर्सिंग 2019 एंट्रेंस एग्जाम जो हुई थी उसका केमिस्ट्री के, और हम इससे पिछली वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन प्रोवाइड भी करा चुके थे। तो साथियों, आज हम वहाँ से आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, आज ये पोर्शन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट बनी रहती है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो साथियों, चलते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप सभी लोगों से बस हम यही गुजारिश करते हैं कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जितना शेयर करोगे उतना ही मुझको बेनिफिट होगा और आपका भी काम बनेगा। चैनल को अब 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। तो देखिए साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। क्वेश्चन पेपर के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे एक एक करके सब आपको कराएंगे। तो देखिए साथियों, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपको कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन 7 हम करा चुके थे, क्वेश्चन 8 आपके लिए ये था, निम्न में से आइसोप्रोपिल समूह की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी थी? आइसोप्रोपिल समूह की पहचान करनी थी। कौन सा समूह ऐसा है जो आइसोप्रोपिल है, इसकी पहचान आपको करनी है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन दिए गए थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्डिंग यहाँ पर खाली थी, तो दो मेथिल समूह और CH। ऑप्शन भी दिया गया था, एक कार्बन से 3 मेथिल समूह जुड़े थे, एक बॉन्डिंग खाली थी, और ऑप्शन सी CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, और ऑप्शन डी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा हुआ और एक ग्रुप खाली है। तो इसमें आइसोप्रोपिल समूह की पहचान करनी थी। तो देखिए साथियों, कौन सा राइट ऑप्शन होने था? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखे होंगे ये प्रश्न, ये ज़्यादा ना तो टफ है और न ही इजी है, मॉडरेट क्वालिटी के क्वेश्चन आए थे, चाहे केमिस्ट्री की बात कर लें, चाहे फिजिक्स की बात कर लें, चाहे बायोलॉजी की बात कर लें। आपको एडवांस का रखा हुआ क्वेश्चन एक आदमी मिलेगा, कोई ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस से नहीं रखे गए थे, सब मॉडरेट या फिर लोएस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, निम्न में से किस बंध के लिए उच्चतम तापीय धारिता अपेक्षित होती है। निम्न में से किस बंध के लिए उच्चतम तापीय धारिता अपेक्षित होती है। ऑप्शन दिए गए हैं JE जिसे जर्मेनियम बोलते हो, ऑप्शन बी टिन SI SN SN, ऑप्शन सी दिया गया था सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, और ऑप्शन डी दिया गया था कार्बन कार्बन बॉन्ड। इनमें उच्चतम तापीय धारिता अपेक्षित होती है किस बंध के लिए, सिर्फ टिन वाला बॉन्ड या फिर सिलिकॉन वाला या कार्बन वाला या जर्मेनियम वाला, किस बंध के लिए अपेक्षित होती है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्न में से कौन सा समूह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन में ऑर्थो पैरा निर्देशन करेगा। क्वेश्चन 10 जो दिया गया था कि निम्न में से कौन सा समूह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन में ऑर्थो और पैरा निर्देशन करेगा। तो साथियों, हम आपको बता रहे हैं ऑर्थो और पैरा निर्देशन कौन करते हैं, आपके जितने भी हैलोजन हैं वो सब ऑर्थो पैरा निर्देशन करते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सब ऑर्थो पैरा निर्देशन करते हैं, साथ ही साथ एमीन ग्रुप जो होते हैं वो भी सब करते हैं। तो देखिए साथियों, इनमें से कौन आपको दिया गया था, हेलोजन दिया गया था क्लोरो समूह, ये जो क्लोरो समूह है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन में ऑर्थो पैरा निर्देशन करेगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक शेयर करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वो वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपको लगातार, हाँ, और फिजिक्स की जो क्लासेस हैं आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगी, फिजिक्स की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि 2 मेथिल पेंटेन में मेथिल समूह की कुल कितनी संख्या होगी। 2 मेथिल पेंटेन में मेथिल समूह की कुल कितनी संख्या होगी। देखिए आप ऐसे निकाल भी सकते हो, पहले आप एक चेन बना लो 2 मेथिल
टू मेथिल पेंटेन की चेन बना लो जिसमें दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा होना चाहिए, मेथिल, क्या जुड़ा होना चाहिए, मेथिल ग्रुप, CH2 CH2 CH3। ये देखिए आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख गया है, इसकी स्ट्रक्चर रख रही है टू मेथिल पेंटेन की, टू मेथिल पेंटेन की स्ट्रक्चर ये रही। अब इसमें मेथिल समूह काम करना है, CH3 एक मेथिल समूह ये है, CH3 एक मेथिल समूह ये है और CH3 एक मेथिल समूह ये। तो इस प्रकार आपने देखे होंगे साथियों, इस प्रकार आप लोगों को पता चल गया होगा कितने मेथिल समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर तीन तीन मेथिल समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन 12 क्या कहता है, पीली विकिरण जिसका तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है उसकी तरंग संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। पीली विकिरण जिसका तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है उसकी तरंग संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट भी कर लें, हमारे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको नोट भी करते रहें। तो हम लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, पीली विकिरण जिसका तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम है उसकी तरंग संख्या निम्नलिखित कौन सी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 आया था। अब हम आपको ये 12 क्वेश्चन देखिए सॉल्व करके बताते हैं, 12 क्वेश्चन क्या कहता है, 12 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें तरंग संख्या पूछी गई, क्या पूछी गई है, तरंग संख्या। कैसे निकालोगे तरंग संख्या, एक पीली विकिरण है और इस विकिरण की तरंग दैर्ध्य दी गई, विकिरण की तरंग दैर्ध्य दे दी गई है 5800 एंगस्ट्रॉम, कितने एंगस्ट्रॉम दे दी गई है 5800 एंगस्ट्रॉम, और तरंग संख्या पूछी गई है, वेव नंबर पूछा गया, तरंग संख्या पूछी गई है। तो तरंग संख्या बराबर सूत्र होता है 1 अपॉन तरंग दैर्ध्य। और आप लोगों ने देखा होगा तरंग दैर्ध्य आपको एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, आपको क्या काम करना होगा, आप इससे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5800 गुणे और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर। तो ये देखिए साथियों 5800 × 10^-10 मीटर, और सही से लिखना चाहो तो 5.8 × 10^3 × 10^-10 मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, तो 5.8 × 10^-7 − 10 में से + 3 जाएंगे तो − 7 बचेंगे, इतने मीटर। ये तरंग दैर्ध्य आ गई, तो हमें तरंग संख्या निकालनी है, तो तरंग संख्या इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन और तरंग दैर्ध्य हमारी है 5.8 × 10^-7, 5.8 × 10^-7। अब देखिए 10^-7 ऊपर भेज दो तो 1/5.8 × 10^7 × 10^7 और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.17 अप्रॉक्सीमेट, लगभग इतना ही आएगा 0.17 × 10^7 × 10^7 मीटर इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर पहुंची तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अब देखिए इसको आप कैसे और लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1.7 × 10^6, एक अंक दशमलव लेफ्ट टू राइट गया, 10^2 उतनी माइनस की बढ़ जाएगी, तो एक सेवन वाली माइनस वन कम हो जाएगी, तो 10^6 बचेगी, मीटर इनवर्स। तो देखिए साथियों तो 1.7 × 10^6 मीटर इनवर्स, ये कोई ऑप्शन था, तो इनमें से देखिए इनमें से ये कोई ऑप्शन है था आपको दिखाई देगा, 1.7 × 10^4 मीटर मिलीमीटर इनवर्स, या 1.7 × 10^4 मीटर इनवर्स, या 1.7 × 10^4 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर वाला तो आ सकता है, सेंटीमीटर वाला किस प्रकार आ सकता है, आप इस मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना होगा,
किस में बदलना होगा, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना होगा। तो देखिए 1.7 इंटू 10^6 मीटर इनवर्स जान है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10^2 या हम कह सकते 100 का गुणा करते हैं। तो साथियों मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में गुणने के लिए 10^-2 का गुणा करना पड़ेगा। 1.7 इंटू 10^-2 इंटू 10^6 इक्वल में कितनी बज रही है, 10^4 रह जाएंगी। सेंटीमीटर इनवर्स में ही आंसर आ गया, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार देखिए साथियों आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या 3 से संयुक्त कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। मुख्य क्वांटम संख्या 3 से संयुक्त कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है मुख्य क्वांटम संख्या जो कोषों की संख्या को दिखाता है, इस कोषों की संख्या में अर्थात ये कहा जा रहा है तीसरे कोष में कुल कितने कक्षक हो सकते हैं। तो देखिए तीसरे कोष में हो सकते हैं, तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, एक 3s, एक 3p और एक 3d। s उपकोष में कक्षकों की संख्या 1 होती है, p में कक्षकों की संख्या 3 होती है और d में कक्षकों की संख्या 5 होती है। तो इस प्रकार देखिए 1, 3, 4 और 5, 9। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 9। मुख्य क्वांटम संख्या 3 से संयुक्त कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए कह रहा था 7, ऑप्शन बी कह रहा था 5, ऑप्शन सी कह रहा था 4 और ऑप्शन डी कह रहा था 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एसिटिक अम्लता, जो अम्लता दी गई है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो क्षारकता दी गई है वो क्रमशः दे दी गई है 4.76 एवं 4.75। इस आधार पर अमोनियम एसीटेट विलयन का पीएच मान निम्न में से कौन सा होगा। जो अमोनियम एसीटेट विलयन होगा उसका पीएच मान कौन सा होगा। चूंकि आपको पता है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, दोनों की अम्लता और क्षारकता क्रमशः ये दे दी गई है। इन सबको मिलाकर एक लवण बनेगा जिसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट विलयन का पीएच मान निम्न में से कौन सा होगा। तो आपको हम बता रहे ये कैसे आप निकालोगे, ये आप जब निकालोगे तो पीएच वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस आपको एक फॉर्मूला याद रखना पीके माइनस पीके वी अपॉन में 2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तो देखिए साथियों पीएच बराबर 7 प्लस पीकेएम इसकी वैल्यू दी गई है 4.76 - 4.75 अपॉन में 2। तो पीएच बराबर हो गया 7 प्लस ये कितना बच रहा है 0.01 अपॉन में 2, यहाँ 2 से काट दो ये, तो 7 प्लस 0.005 इन दोनों को जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा 7.005। तो इस विलयन की पीएच वैल्यू जो निकल के आ गई ऑप्शन ए दिया गया था 7.005, यही इसका राइट आंसर। ऑप्शन तो और दे दिए गए थे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आया था, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं थी और न कोई ज़्यादा आसान भी। मीन्स पढ़ते रहिए, जितनी मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको, क्वेश्चन देख कर ही सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए CH3Cl हम कह सकते हैं मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है और ये किसमें पूछी गई है, CH3Cl में पूछी गई। चलिए साथियों इसको निकाल लेते हैं, देखें क्या है इसमें। तो कार्बन की तो ऑक्सीकरण संख्या ही पूछी गई है 3 प्लस हाइड्रोजन की प्लस 1,
प्लस सी एन माइनस वन और इक्वल टू में क्या रख देना है जीरो। तो देखिए साथियों सी प्लस थ्री माइनस वन इक्वल टू में जीरो, तो सी प्लस टू बराबर जीरो, तो सी बराबर इधर जाएंगे तो माइनस टू, तो कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो माइनस टू निकल के आ गई। ऑप्शन दिए गए थे प्लस सेकेंड, ऑप्शन बी दिया गया था माइनस सेकेंड, प्लस फोर और शून्य, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे आपको। तो कौन सा राइट ऑप्शन था? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन देखिए जो 16वां क्वेश्चन है क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन ये कहता है कि H2O NH3 CH4 एवं HF में सबसे दुर्बल अणु कौन सा है, इनमें सबसे दुर्बल अणु कौन सा है। ऑप्शन आपको यही मिलेंगे, यही चार, ये है या CH4 है या NH3 है या HF। तो देखिए साथियों H2O तो है नहीं, NH3 ये अमोनियम है, ये CH4 है और ये HF है, तो सबसे दुर्बल अम्ल जो होने वाला है ऑप्शन बी CH4। इनमें से ये पूछा जाता है सबसे प्रबल कौन सा है, तो सबसे प्रबल HF होता है, ध्यान रखना सबसे दुर्बल अम्ल जो है वो CH4 है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है O2 2- फिर O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में सबसे लंबा ऑक्सीजन बंध किसका होगा, O2 2+ का या O2+ का या O2- का या फिर O2 का। आपको पता होना चाहिए सबसे लंबा बंध तब बन सकता है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं, जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा लंबा बंध बन जाएगा। तो इनमें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें बंद में भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अर्थात बंद बनाने के बाद और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये जो है इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सबसे लंबा जो बंद होगा वो सबसे लंबा बंद ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी देखिए साथियों राइट ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार आपने देखे 17 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। चलिए तो इस प्रकार साथियों आपने देखा 17 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। चलिए अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन कहता है NO3- के गुणात्मक परीक्षण। कहने का मतलब है नाइट्रेट मूलक के गुणात्मक परीक्षण के दौरान बनने वाले ब्राउन रिंग का निम्न में से कौन सा सही सूत्र है, ब्रैकेट में एथ ही H2O5 का होल 5 NO2+ Fe H2O5 NO ब्रैकेट में प्लस 3 चार्ज, Fe ब्रैकेट में H2O5 NO+ 1 चार्ज और डी ऑप्शन दे दिया गया था Fe H2O5 NO। इनमें से कौन सा ब्राउन रिंग का सही सूत्र है? तो देखिए साथियों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्राउन रिंग का जो सही सूत्र होता है वो यही होता है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? प्रति इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या एक बॉडी सेंटर क्यूबिक जिसे BCC कहते हैं, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक जालक में कितनी होगी, 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 4। तो देखिए सही सूत्र कौन सा इसका, इसका जो सही सूत्र है वो ये है ऑप्शन ए 2। ऑप्शन ए 2, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक जालक में जो प्रत्येकाई शैल में परमाणुओं की संख्या होती है वो एक संख्या 2 होती है, वो संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। नीला तोता में कौन सी बंद उपस्थित होता है, नीला तोता में जो बंद होता है वो कौन सा उपस्थित होता है, आयनिक बंद या हाइड्रोजन बंद या उपसंयोजक बंद या उपरोक्त सभी। तो देखिए साथियों नीला तोता में सभी बंद उपस्थित होते हैं, चाहे वो आयनिक हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे सहसंयोजक हो, चाहे उपसंयोजक हो, जितने भी बंद होते हैं वो सबके सब उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए साथियों। निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी में धनुर की तरह कार्य करता है, निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी में धनुर या हम इसको एनोड भी कहते हैं,
इसको एनोड भी कहते हैं और रिडोद को हम कैथोड कहते हैं, जो धनोड की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया गया था लेड डाइऑक्साइड या लेड पीवी, लेड मोनोऑक्साइड या PV3O4, इनमें से छांटना था। सही आंसर कौन सा है? तो देखिए साथियों, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो था बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? HCNOH विलयन के साथ पूर्णतया उदासीन होता है तो फिर परिणामी विलयन में उपस्थित प्रजातियां होंगी। HCl NOH विलयन के साथ पूर्णतया उदासीन होता है, आपने नाम सुना होगा या पढ़ी भी होगी, 10th क्लास में एक रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो प्रबलम और प्रबल क्षार के बीच होती है जिसमें लवण और जल बनता है, तो उसमें कौन सी प्रजातियां उपस्थित होंगी? तो साथियों देखिए HCl NaOH H पॉजिटिव Na और OH और H मिलकर H2O बना लेंगे, तो Cl नेगेटिव N पॉजिटिव। ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए थे Na प्लस Cl नेगेटिव H3O प्लस। ऑप्शन भी दिया गया था Na प्लस Cl माइनस H2O, ऑप्शन सी दिया गया था Na प्लस Cl माइनस OH नेगेटिव, और ऑप्शन डी आपको दिया गया था H प्लस H3O प्लस। तो देखिए किस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, हम आपको कुछ समझाते हैं। HCl प्लस NaOH उदासीनीकरण अभिक्रिया है, HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा और ये Na पॉजिटिव OH माइनस नेगेटिव में टूटेगा। जब ये रिएक्शन होती है तो हम कह सकते हैं इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना लेता है, प्लस H प्लस और OH HOH क्या हम कह सकते हैं H2O वाटर बन जाता है साथियों, क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। तो कौन से अवयव उपस्थित होंगे? एक तो H2O उपस्थित होगा, Na प्लस और Cl, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए साथियों 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इन 22 प्रश्नों के बाद क्वेश्चन नंबर 23 को इस प्रकार है, AgCl की विलयता किसमें न्यूनतम होती है? AgCl हम कह सकते हैं सिल्वर क्लोराइड की विलयता किसमें न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए दे दिया गया है 0.01 mNaCl विलयन में या 0.01 mCaCl2 विलयन में, ऑप्शन सी दिया गया है शुद्ध पानी में, ऑप्शन डी दिया गया है 0.001 mAgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में। तो कौन सा ऑप्शन सही था इसमें? तो आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, 0.01 mCaCl2। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में किसमें कार्बोक्जिलिक समूह उपस्थित होता है? निम्नलिखित में किसमें कार्बोक्जिलिक समूह उपस्थित होता है? बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल या एस्प्रिन। तो देखिए बेंजोइक अम्ल में तो होता ही है, लैक्टिक अम्ल में भी होता है, पिक्रिक अम्ल में नहीं होता है चीज। हाँ ऑप्शन सी इज द राइट, पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह जिस समूह को C-OH जिससे प्रदर्शित किया जाता है ये समूह उपस्थित होता है या नहीं होता, तो पिक्रिक अम्ल में ये समूह उपस्थित नहीं होता है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 या हम कह सकते हैं VHU BSc नर्सिंग पेपर 2019 में जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उस पोर्शन का ये अंतिम क्वेश्चन है। ये अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सोडियम के साथ H2 देता है? जो सोडियम के साथ H2 देता है कौन सा कार्बनिक यौगिक? CH4, ऑप्शन बी दिया गया था C2H6, ऑप्शन सी दिया गया था C2H4 और ऑप्शन डी दिया गया था C2H2। तो देखिए साथियों कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और साथ ही साथ आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि इस एग्जाम में केमिस्ट्री के जो पोर्शन के 25 क्वेश्चन आए थे वो हमने आपको कराए, आप लोगों ने यह देख लिया होगा कि इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आए थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रखे गए, कार्बनिक रसायन के बहुत ज्यादा पोर्शन रख दिया गया था
तो देखिए साथियों आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लें, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर बने रहें लगातार, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो सपोर्ट करते रहें। आप लोगों को इसी प्रकार से आगे की वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपके 5 क्वेश्चन फिजिक्स के बचे हुए हैं, वो हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे, वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ फिजिक्स का टॉपिक जहाँ चल रहा था वो टॉपिक लेकर रेगुलर क्लास आपको देते रहेंगे। साथियों बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चैनल को। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।